बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड में काग बसुंडी जी बताते हैं कि किस तरह से हमें अपने इंद्रियों के दरवाजे जो खिड़कियां हैं, इंद्री जो हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों को हमें कैसे संभाल के रखना है, उन पर नज़र रखनी है, उनको कंट्रोल में रखना है, हमेशा उनका यूज करते रहना है, प्रयोग करते रहना है, तभी वे हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि इंद्री द्वार झरो का नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखे विषय व्यारी, ते हटी देही कपाट उभारी। इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहां वहां प्रत्येक झरोके पर देवता थाना की अड्डा जमाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हट पूर्वक किवाड़ बंद कर देते हैं। और अगर उन इंद्रियों के द्वार पर अगर शैतान, अगर कोई बुरा दुष्ट कार्य करने वाला वहां पर बैठ जाए, राक्षस प्रवृत्ति का बैठ जाए, जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखेंगे, त्यों ही वे किवाड़ खोल देते। जब सुप्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि ने छुटी मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर के अंदर आती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। अर्थात जैसे ही हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर या हमारे घर के अंदर गलत प्रवृत्ति की सोच आती है, तो ऐसे ही हमारे अंदर की जो सोच, जो अच्छी सोच है, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे क्या कहते हैं, जिनी थल बिनु जल रही नसकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोच सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति की तिरस्कार करके, मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसर्ती भक्ति पर जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, भोजन तो अपने पेट की पूर्ति के लिए, भरने के लिए किया जाता है, उस भोजन को जठार अग्नि अपने आप ही बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं सेवक हूँ और मेरे भगवान मेरे सेवक हैं, स्वामी हैं। इस भाव से बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता है, ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों को भजना, उनका भजन कीजिए, भजना प्रारंभ कीजिए, मैं तो कर चुका हूं। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं, ऐसा समझकर जो जीव भजते हैं उनको, वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, वहां पर दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक की और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश ही रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा भी नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशमय होती है, वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशमय नहीं रहती। और क्या कहते हैं, प्रबल अभिद्यातम मिट जाई,
हरहि सकल सलभ समुदाई, खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसए अगति जाके उर्माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। करल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विषय अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े मानस रोग जिनके वश होकर जब सब जीव दुखी हो रहे हैं तो उसको नहीं व्यापते हैं, उस व्यक्ति को दुख नहीं व्यापते। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुताके। चतुर सिरो मणि ते जग माही, जय मणि लाग सुजातन कराही। कहते हैं कि श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जग में वे ही मनुष्य चतुर के श्रोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते। वेद पुराण पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। कहते हैं कि वेद पुराण पवित्र पर्वत है, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले जो होते हैं, संत पुरुष गर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। जो प्राणी प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हो जाते हैं। और कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब करि फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत भवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। अर्थात श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति होती है, जो भक्ति करते हैं संत पुरुष, धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, वे बिना उस प्रवृत्ति के लाए, बिना संत की प्रवृत्ति के लाए, बिना साधना की प्रवृत्ति के लाए, उसको नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ऐसा समझकर जो संतों के पास जाकर उनकी वाणी सुनते हैं, वे श्री राम जी के भी प्रिय हो जाते हैं। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुथा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाही। कहते हैं कि ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं, वही हरि भक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए, इसे विचार कर समझिए, कैसी आपको आपके अनुसार इसके अंदर क्या मत है। पुनि से प्रेम बोलेऊं खगराऊं, जो कृपाल मोहि ऊपर बाऊं। नाथ मोहिनी की सेवक जानी, सत्य प्रसन्न मम कहूं बखाऊं। पक्षी राज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नों के उत्तर और कह दें।